हेलो दोस्तों, टेक गुरु जी के इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आपका और खुलासा करूंगा एयरटेल के हाई स्पीड नेटवर्क के बारे में, जिसे ओकला ने सर्टिफाइड किया है। और उस ट्रिक के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या ये फास्टेस्ट हाई स्पीड नेटवर्क का सच सही है या गलत है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब्स के बटन के बगल में एक बेल की बटन है, उसे क्लिक कर लें। जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचेगी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ओकला एक ऐसी वेबसाइट है जो सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, और उनके यहाँ पे उनके द्वारा एयरटेल को सर्टिफाइड किया गया है एज अ फास्टेस्ट नेटवर्क। तो ओकला स्पीड टेस्ट में भारतीय एयरटेल को टाइटल दिया गया है फास्टेस्ट नेटवर्क बाय ओकला। दोस्तों इसके पीछे एयरटेल की इस ट्रिक के बारे में इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं सेटिंग में गया और आप देख सकते हैं फर्स्ट एयरटेल सिम है एंड सेकेंड सिम जियो सिम मैंने किया है, और इंटरनेट जो प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे हैंडसेट को, वो सेकेंड सिम एज ए जियो सिम प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं नीचे एज ए सेलुलर डाटा सेकेंड सिम जियो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब इस कन्फर्मेशन के बाद हम अब बाहर जाएंगे और जो ओकला का सर्टिफाइड ऐप है उस द्वारा हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बिगिन टेस्ट का एक बटन है, इसे हम क्लिक करेंगे और टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो गई है और ये टेस्ट कर रहा है हाईएस्ट डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट। आपको रिजल्ट के सामने आया 1.72 Mbps का स्पीड। अब ये अपलोडिंग टेस्ट कर रहा है और इसकी रिजल्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे। एवरेज रिजल्ट जो है 1.18 ये दिखा रहा है और लिस्ट में आपको दिख भी रहा है कि जैसे कि हम इस ऐप में नीचे रिजल्ट बटन को क्लिक करेंगे और देखेंगे मेरे रिजल्ट्स, और हम नेटवर्क को क्लिक करेंगे और फर्स्ट इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग डाउनलोडिंग पिंग टाइम सारी चीज़ें दे रहा है। आपके सामने शेयर की बटन दी गई है, उसे आपको क्लिक करना है और शेयर की बटन को क्लिक करने के बाद कॉपी कर लीजिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और आपको ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप, ये हो गया आपका ब्राउज़र ओपन। आपको पेस्ट करना है, होल्ड करके रखिए, आपको पेस्ट का ऑप्शन आएगा और आप पेस्ट कर दीजिए। URL के पहले जो टेक्स्ट लिखा गया है उस टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए और आप जो भी URL है ये HTTP:// इसे एंटर मार दीजिए। एंटर की बटन प्रेस करते ही आपको एक स्पीड टेस्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल्स रहती है वो दिख जाएगी। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, पिंग की स्पीड, कनेक्शन रेटिंग, डिवाइस और कैरियर। खास बात इस कैरियर की है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कैरियर में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैरियर सिलेक्शन में नेटवर्क एयरटेल दिखाया जा रहा है, कि जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि मैंने डेटा यूज़ किया है जियो का और मुझे यहाँ कैरियर जियो दिखाना चाहिए था। तो दोस्तों यही ट्रिक है जो एयरटेल को ओकला से सर्टिफाइड किया गया है और यही मैं बताना चाह रहा था कि तो दोस्तों एयरटेल ने इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके ओकला से सर्टिफिकेशन लिया है फास्टेस्ट इंटरनेट फास्टेस्ट नेटवर्क का। तो यही ये ट्रिक है, आप अपने मोबाइल पर भी ट्राई कर सकते हैं, अपने खुद से ट्राई करके आप चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एयरटेल फास्टेस्ट नेटवर्क है या नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँ रिलायंस जियो की, तो अभी तक जो स्पीड आपने देखी ये रिलायंस जियो की स्पीड है आफ्टर स्पेंडिंग होल डे, जो पूरा दिन निकल गया है उसके बाद भी जो 120 Kbps डाउनग्रेड हो जाता है डेटा, उस हिसाब से ये स्पीड मुझे दिखाया गया है। अगर मॉर्निंग में मैं ये टेस्ट करता तो शायद रिलायंस जियो की स्पीड कुछ और होती दोस्तों। तो अभी तक कंपेरिजन अगर हम देखें तो एयरटेल और जियो को कंपेयर करें तो जियो ही अभी तक का ओके और बेस्ट नेटवर्क है, जिसमें हम आपको ये मेरी तरफ से मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ। सवाल हो या फिर दोस्तों आपका कोई भी सुझाव हो तो दोस्तों मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा।